सोनाली फोगाट मामले ने एक नया ही मोड़ ले लिया है। गोवा के आईजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े खुलासे किए। गोवा के आईजीपी के खुलासों के हिसाब से परिवार का शक बिल्कुल ठीक था। आईजीपी ने कहा कि उन्हें क्लब से जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं, उससे ये साफ होता है कि सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली के पीए थे, और उनके दोस्त सुखविंदर, ये दोनों पहले सोनाली के साथ क्लब में पार्टी कर रहे थे। इसके बाद एक वीडियो में देखा गया कि इन्होंने सोनाली को जबरदस्ती कुछ पिलाया। जब अक्यूज्ड से इसके बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने एक लिक्विड में सोनाली को एक तरीके का केमिकल मिलाकर दिया था, जिसके बाद सोनाली ने अपने ऊपर से काबू खो दिया। सोनाली का खुद से काबू चले जाने के बाद उसे इस केमिकल का दूसरा शॉट भी पिलाया गया और फिर सुबह 4:30 बजे के आसपास अक्यूज्ड सोनाली को बाथरूम में ले गया। 4:30 से 6:30 अक्यूज्ड सोनाली के साथ बाथरूम में ही रहा। उस दौरान अक्यूज्ड ने क्या किया, इस पर अभी उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। करीब 2 घंटे टॉयलेट में रहने के बाद सोनाली को अक्यूज्ड टॉयलेट से बाहर लाया। जी हां, खुद गोवा के आईजीपी ने ये पूरी स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इस रिपोर्ट के अंत में हम तो इतना ही कहेंगे कि ऐसे दरिंदे इंसानियत से भरोसा उठा देते हैं। कौन? न्यूज़ डेस्क।